और पिछला जो हमारा चर्चा था उस चर्चा में वर्तमान के मानव चार प्रकार से गण्य हैं, तो वो चार प्रकार और पांच स्थितियों में जो व्यवहार की रीति अपनाई जाती रही है उस पर एक विश्लेषण यहाँ बाबा जी ने प्रस्तुत किया। उस विश्लेषण को हम लोग पढ़ रहे थे, तो सब लोग जुड़ गए हो तो हम आगे बढ़े। 11 है अभी, 11 है 13 ठीक है, शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं, तब तक कुछ लोग आएंगे और अपना विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आगे पठन शुरू करता हूं। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र ह्रास या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। ह्रास या विकास की ओर गतिशील न हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही जागृति की पूर्णता के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थितियां एवं चारों आयामों में वर्तनीय है। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान ही जागृति की पूर्णता के लिए आधार है और ऐसी क्षमता संपन्न होने के लिए परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। तो यहां कर्मों को परिष्कृत होना और उसमें प्रवर्तन होना, यही मानव की पांचों स्थितियों एवं चारों आयामों में वर्तनीय है। अब जो अगला पैराग्राफ है, वहां जो रिक्तताएं हैं उन रिक्तताओं पर ध्यान, जैसे यथार्थ दर्शन विहीन अंतरराष्ट्र, समाधान विहीन कार्यक्रम एवं कोष विहीन व्यवस्था, धर्म पतित निश्चयहीन समाज, रहित कुटुंब, सदाचरण से रिक्त व्यक्ति सतत चिंतातुर हैं। तो एक सूत्र यहां याद आता है कि कैसा हमारा वस्तु स्थिति है भ्रमित स्थिति में। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान से विरोध। तो ये जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं से मुक्ति, जो ये रिक्तता है, इस रिक्तता को भरने से चिंताओं की मुक्ति है। धर्म का प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है, यही संस्कृति व सभ्यता है। मानव सहज परस्परता में निर्विषमता के लिए ही संस्कार, संस्कृति व सभ्यता की अनिवार्यता है, यही उपादेयता भी है। तो इन दो लाइनों में धर्म का प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है। धर्म का अर्थ यहां पर सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान जो पांच आयामों में है, पुनः दोहरा दूं, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और न्याय सुरक्षा। तो ये जो सर्वतोमुखी समाधान इन पांच आयामों में है, यही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है और यही संस्कृति और सभ्यता है। मानव सहज परस्परताओं में निर्विषमता के लिए ही संस्कार, संस्कृति व सभ्यता की अनिवार्यता है, यही उपादेयता भी है। तो जो भाई पीछे
संस्कृति सभ्यता के डिस्कशन में होंगे, तो क्यों आवश्यक है संस्कृति की? तो यहाँ एक ध्यान आ रहा है कि मानव सहज परस्परता में निर्विषमता के लिए ही संस्कार, ये जो विषमता है, ये जो दूरी है, तीन चार मुद्दे यहाँ जो याद आते हैं जिस पर हमें काम करना है, वो है स्त्री पुरुष समानता, अपना पराया से मुक्ति और गरीबी अमीरी में जो संतुलन है, ये जो विषमता है। और वह जिस तरह से अपनी चर्चा हो रही थी कि जो समुदायवाद है, तो समुदायवाद में क्या मुद्दा है, तो कुछ लोग विशेष हैं, कुछ सामान्य हैं, तो समुदाय चेतना में कुछ विशेष कुछ सामान्य, इस तरह से ये जो दरी है, ये विषमता है, तो ये विषमता निकलकर परस्पर सहअस्तित्व होना, यह संस्कार होना, इस अर्थ में संस्कृति व सभ्यता की अनिवार्यता है, यही उपादेयता भी है। समग्रता के प्रति रहस्यविहीन दर्शन को धारण करने में असमर्थ अंतरराष्ट्र, सत्यता के संरक्षण में एवं संवर्धन प्रक्रिया में असमर्थ व्यवस्था, सत्यता का प्रचार करने में असमर्थ समाज, सत्यता का अनुसरण करने में असमर्थ परिवार और सत्यतापूर्ण आचरण करने में असमर्थ व्यक्ति घोर क्लेश से पीड़ित है, ये देखा गया है। तो जागरूक व्यक्ति ने जिस तरह से ये समीक्षित किया, तो अब यही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमको काम करना है। तो एक एक मुद्दे पर जैसा जैसा हमारा सूचना है, समग्रता की सूचना मैं पुनः दोहरा दूं, समग्रता की सूचना है कि ये अस्तित्व, अस्तित्व में चार अवस्था चार पद, होना रहना, यह समग्रता है। तो ऐसे समग्रता के प्रति हम जानकार होना, यह और इस दर्शन को धारण करना में समर्थ अंतरराष्ट्र, सत्यता, सत्यता जैसे वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य रूपी सत्यता के संरक्षण में एवं संवर्धन प्रक्रिया में समर्थ व्यवस्था, जिसे राष्ट्र भी कहा जा रहा है, सत्यता का प्रचार करने में समर्थ समाज, सत्यता का अनुसरण करने में समर्थ परिवार और सत्यतापूर्ण आचरण करने में समर्थ व्यक्ति, ये मुद्दे हैं हमारे काम करने के लिए। तो जहां कर्म ही कार्यक्रम है, तो जो कर्म कार्यक्रम है, तो इस प्रकार से हम कार्यक्रमों को बांध सकते हैं, अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, ये एक उपाय योजना यहां पर स्पष्ट हो रही है। अब ये कैसे संभव होगा, उसके बारे में आगे दिया है। अवकाश से अधिक आवश्यकताओं को अपनाने से ही समस्त प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां प्रभावशील होती हैं, ये प्रधानता शोषण रूप में होती हैं, जो स्व पर हानिकारक होती हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या? अब अवकाश क्या है? तन मन धन रूपी साधन ही अवकाश है। अब ये अवकाश क्या है, तब अवकाश ऐसे इस तरह से स्पष्ट होता है कि पूर्णता में गर्भित होने के कारण हम सभी को एक अनुकूल परिस्थिति अस्तित्व सहज उपलब्ध है, और ऐसे अनुकूल परिस्थिति में स्वयं की क्रियाशीलता है ना, हर इकाई के लिए संभावना है, और जो संभावनाएं हैं वह तन मन धन रूपी साधन के रूप में, ये संभावना, इस अर्थ में यहां अवकाश शब्द का प्रयोग दिखता है। आवश्यकता नियत आवश्यकता में अपव्यय समाहित है। तो इस प्रकार से अब ये जो साधन है, इसमें संयत आवश्यकताओं को हम पहचानते हैं, असंयत आवश्यकता के लिए साधन कम ही पड़ता है, और असंयत आवश्यकता में अपव्यय समाहित है। तो जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा, ये भी दिखता है। मानव के लिए मानवीयता ही संयमता का सूत्र है। मानव में रूप बल
बुद्धि, पद, धन, कर्म, उपासना, आवश्यकता, अवसर एवं अवकाश समीचीन है। में होने से है ना अस्तित्व सहज अनुकूल परिस्थितियां को अवकाश के रूप में बाबा जी इंगित कर रहे हैं। क्रिया में न आने वाले आश्वासन, ये एक और ध्यान आकर्षण है। क्रिया में न आने वाले आश्वासन, योग्यता से अधिक अधिकार, सिद्धांत विहीन शास्त्र, आधार विहीन, दिशा विहीन आचरण, ये सब क्लेश कारक है। तो चिंताओं से प्रारंभ करते हुए और ये कैसा स्थिति है उस स्थिति की एक सटीक समीक्षा हम सबके ध्यान आकर्षण के लिए निराकरण भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। तो मैं दोहरा दूं, क्रिया में न आने वाले आश्वासन, योग्यता से अधिक अधिक आचरण, ये सब क्लेश के कारण है। विधि के आधार तीन प्रकार से गण्य हैं, सत्याधार, कर्माधार और विशर्ण योग्य शास्त्र के आधार पर जो विधि विधान है उसे मानव को सुख शांति संतोष एवं आनंद की उपलब्धि है, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता सहज वैभव सूत्र है। पुनः दोहरा दूं, सत्याधार को स्पष्ट करने योग्य शास्त्र के आधार पर जो विधि विधान है उससे, अब यहां विधि का मतलब है आचार संहिता, सामान्य स्वरूप दे रहा हूं, सुगम हो इसका सत्याधार को स्पष्ट करने योग्य शास्त्र, उसके आधार पर जो विधि विधान है उससे मानव को सुख शांति संतोष आनंद की उपलब्धि है, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता सहज वैभव सूत्र है। तो इस प्रकार से जो हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं उसे हमें ये उपलब्धियां है, ये उपलब्धियां होने पर हमारा विश्वास स्थिर होना, ये जांचना। सत्यता पर आधारित विधि विधान एवं नीति ही अंतरराष्ट्रीयता की एकात्मता है, यही परस्पर राज्य राष्ट्रों की एक सूत्रता सह अस्तित्व पूर्ण है, यही व्यक्ति समुदाय वर्गवाद से मुक्त मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसे थोड़ा सा स्पष्ट होने की आवश्यकता, सत्यता पर आधारित यानी वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, ये सत्यता का स्वरूप है। तब वस्तु स्थिति सत्य होना वस्तुगत सत्य स्पष्ट होना यानी इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म यह स्पष्ट होना और स्थिति सत्य स्पष्ट होना, ये तीनों में ये स्पष्ट होने पर इस आधार पर जो विधि विधान एवं नीति ये अंतर्राष्ट्रीय एकात्मता है और ऐसे अंतर्राष्ट्र में ही यहां दिया है व्यक्ति समुदाय वर्गवाद से मुक्त मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। अब इस आधार पर जो इसके पूर्व में जो समीक्षा हमारे सामने लाया कि यथार्थ विहीन अंतर्राष्ट्र, तब यहां सत्यता पर आधारित विधि विधान और नीति यह अंतर्राष्ट्र है। दूसरा यानी यह सत्याधार हुआ। दूसरा स्थिति है कर्माधार पर निर्धारित विधि विधान संपन्न व्यवस्था प्रक्रिया में स्व पर लाभालाभ मुक्त विनिमय होता है, यह वर्ग भावना से मुक्त नहीं है, यह ध्यान देने का मुद्दा है। अब कर्माधार पर निर्धारित विधि विधान यानी कर्म प्रधान विधि से विधि विधान संपन्न कोई व्यवस्था प्रक्रिया है जिसमें स्व पर लाभालाभ मुक्त विनिमय होता है, हो सकता है, पर इसमें वर्ग भावना बनी रहेगी। अब यह वर्ग भावना इस आधार पर बनी रहेगी, कर्माधार आधारित समाज होगा तो फिर कर्म के आधार पर वर्ग होंगे और इस तरह से यह समाज वर्ग भावना से मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए सत्याधार ही वर्ग भावना से मुक्त होने का आधार दिखता है। तीसरा दिया विषय आधार पर आधारित विधि विधान संपन्न
शासन प्रक्रिया में स्व पर लाभ हानि होती है, इससे समाज की कोई व्याख्या नहीं है, समुदाय ही इसकी सीमा है। तब अब हमें स्पष्ट होना है कर्म दर्शन में यह स्पष्टता कि सत्याधार आधारित विधि विधान, कर्माधार पर आधारित विधि विधान, विषयाधार आधारित विधि विधान। अब इसमें क्या क्या है आगे? अंतरराष्ट्रीय एकात्मता, परस्पर राष्ट्रों में एक सूत्रता, कर्माधार में व्यवस्था प्रक्रिया और विषयाधार में शासन प्रक्रिया। ये तो मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विषय आधार पर आधारित विधि विधान संपन्न शासन प्रक्रिया, इसमें कम ज्यादा लगा ही रहता है। गरीबी अमीरी ये इसी की देन है। ये जितनी असमानताएं हैं जो अभी हमें दिखती हैं, ये सब इसी की देन है। इसलिए समुदाय ही इसकी सीमा है, जिसमें इसमें समाज की कोई व्याख्या नहीं मिलती। अब आगे, विवेकपूर्ण विचार, उपासना इच्छा सहित किया गया प्रत्येक कर्म सभी स्तर पर श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का मतलब है सभी के लिए उपलब्ध है। तब पुनः अब उपाय, ये कुछ स्पष्ट और गहरे उपाय प्रारंभ हो रहे हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। दर्शन क्षमता जागृति पर, जागृति आकांक्षा एवं आचरण पर, आकांक्षा एवं आचरण शिक्षा एवं अध्ययन पर, शिक्षा एवं अध्ययन व्यवस्था पर, व्यवस्था दर्शन क्षमता एवं समझदारी के आधार पर होना पाया जाता है। अब दर्शन क्षमता क्या है? दर्शन क्षमता है वास्तविकताओं को, अस्तित्व सहज वास्तविकताओं को देखने पहचानने की क्षमता, जानना मानना पहचानना निर्वाह करने की क्षमता। तो दर्शन क्षमता एवं समझदारी यह आधार होने से यह व्यवस्था का आधार बनता है, क्योंकि जैसा दर्शन है वैसा समझ। तो जिस तरह से हम देखते हैं समझते हैं, तो अभी दर्शन में हमने दृश्य देखा, इस दृश्य को देखने के लिए दृष्टि, और ऐसी दृष्टि कसित होना, छह प्रकार की दृष्टि, प्रिय हित लाभ, न्याय धर्म सत्य, तो वास्तविकताओं के जो मूल नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है और न्याय धर्म सत्य है, ये हम देख पाना, समझ पाना और उस आधार पर हमारा समझदारी सजना, यही व्यवस्था का आधार बनता है। ऐसा व्यवस्था का आधार से शिक्षा एवं अध्ययन सुलभ है, सुगम है। ऐसे शिक्षा और अध्ययन से आचरण एवं आकांक्षाओं को प्रकट होना सुलभ है, और ऐसे आचरण और आकांक्षा का प्रकटन ही जागृति है, और ऐसे जागृति से ही मानव की दर्शन क्षमता है ना प्रमाणित होती। ठीक बात है। इस रूप में ज्ञानानुकूल यत्न, अब करना क्या है? ज्ञानानुकूल यत्न, यत्न यानी अपने प्रयत्न, यत्नानुकूल कार्य, कार्यानुकूल फल परिणाम, फल परिणाम के अनुकूल अनुभव, अनुभव अनुकूल में ज्ञान स्पष्ट हुआ है जो प्रसिद्ध है। तब यहां दिखता है कि प्रयास, ज्ञानानुकूल यत्न, ये प्रयास दिखता है। तीन प्रकार के कर्म फलों को पाने के लिए मानव आद्यांत कार्य करता है, स्वार्थ परार्थ परमार्थ के लक्ष्य भेद से संपूर्ण कर्म संपन्न होते हैं। अब यहां मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ आ रहे हैं, पूरा संदर्भ ही मध्यस्थ दर्शन है, पर मध्यस्थ दर्शन का जो कोर संदर्भ है वो यहां पर आ रहा है। मैं आपको मध्यस्थ दर्शन की परिभाषा यहां पर सुनाता हूं, इस आधार पर
ये विश्लेषण हमारे लिए समझने में कुछ आसानी होगी। मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्व में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ जीवन का अध्ययन एवं सूत्र व्याख्या। तो मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ जीवन का अध्ययन एवं सूत्र व्याख्या। तात्विक रूप में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ जीवन का सूत्र व व्याख्या। मध्यस्थ अस्तित्व में संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निष्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव, यह मध्यस्थ है। दर्शन, दर्शक दृष्टि के द्वारा स्वीकार वो प्रतिबद्धता पूर्वक दृश्य के साथ किया गया, इसका निराकरण कैसा है? मध्यस्थ बुद्धि योग में, अब ध्यान जा रहा होगा, तो मध्यस्थ बुद्धि योग में सम बुद्धि सत्कर्म में प्रवृत्त पाई जाती है। संपूर्ण कर्म वैविध्यताएं मानवीयता में सविरोधी स्थिति से मुक्त हो जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य नियम त्रय का आचरण है। प्रवृत्त पाई जाती है संपूर्ण कर्म वैविध्यताएं मानवीयता में सविरोधी स्थिति से मुक्त हो जाती हैं, अर्थात मानवीयता में सविरोधी स्थिति ये आवेशों से ही है, और जो विकार हैं, आवेश हैं, है ना, तब मध्यस्थ बुद्धि योग में ये सारे आवेशों का होना, निराकरण होना, और इन आवेशों से निष्प्रभावित होने से जो वैविध्यताएं हैं वो खत्म होना, और यही साक्ष्य है नियम त्रय का आचरण प्रमाणित होता हुआ दिखता है। प्रत्येक योग और वियोगों में मूल्यों की प्रतीति एवं नियोजन पाया जाता है। योग का अर्थ मिलन, वियोग का अर्थ बिछड़ना। तो मिलना और बिछड़ने में मूल्यों की प्रतीति एवं नियोजन पाया जाता है। जो हमको सही मूल्य प्रतीत होता है तो हम उसमें नियोजित होते हैं, जिसका मूल्य हमको नहीं लगता है उसमें हम वियोग हो जाते हैं। तब यह दिखता है कि अस्तित्व में वियोग की कोई स्थिति मानव में नहीं है। सारी चीजें संपूर्णता में स्पष्ट होने पर योग संयोग स्थिति बनती है। तो संयोग से भाव, भाव से क्रिया, क्रिया से संयोग, यही सापेक्षता एवं व्यवहार क्रम चक्र है। संयोग की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में मिलन। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण एवं निर्वाह करने की क्षमता ने ही सामाजिकता पूर्ण असामाजिकता सहित व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। यही मानव के ह्रास और विकास का परिचायक है। उच्च और नीच प्रकार से परस्पर में भाव क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनसे ही उनके विकास का परिचय होता है। उच्च भावपूर्ण परिवार, सम मध्यस्थ संयोगपूर्ण समाज, मध्यस्थ सम योगपूर्ण व्यवस्था तंत्र एवं व्यवहार ही सर्व मंगल कार्यक्रम है। उच्च भावपूर्ण परिवार, सम मध्यस्थ संयोगपूर्ण समाज, मध्यस्थ सम योगपूर्ण व्यवस्था तंत्र एवं व्यवहार ही सर्व मंगल कार्यक्रम है। तो इसका ध्यान ये जा रहा है कि जो व्यवस्था तंत्र है, इस व्यवस्था तंत्र में मध्यस्थ
सम यह योग है और जो समाज है उसमें सम मध्यस्थ संयोग है और इसके आधार पर उच्च भावपूर्ण परिवार। तो मुझे यहाँ ये ध्यान चला जाता है, उच्च भावपूर्ण परिवार का मतलब है जिन परिवारों में भावों की उच्चता समाधान समृद्धि के अर्थ में, समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में भावपूर्णता, और ऐसी भावपूर्ण परिवारों का जो एकत्रीकरण है वह है सम होना, और ऐसा सम का जो लक्ष्य है वह है मध्यस्थ, और ऐसा सम मध्यस्थ संयोग सदैव समाज में बहने रहने का अर्थ है कि समाज में जागृति के प्रति जागरूकता है और समाज जागृति को पहचानता है और जागृति के लिए प्रेरणा देता है, और ऐसी प्रेरित समाज को मध्यस्थ सम योगपूर्ण व्यवस्था तंत्र, जहां पर कि ऐसे अवसर और साधन उपलब्ध होना जहां कि हर व्यक्ति जागृति को पा सके, समझदारी को पा सके, और ऐसे व्यवहार ही सर्व मंगल कार्यक्रम है। इस प्रकार से यह विश्लेषण स्पष्ट होता है। पुनः एक बार, स्पष्ट दर्शन क्षमता के बिना सत्कर्म का निर्धारण नहीं है। दर्शन क्षमता ही सम विषम मध्यस्थ, अभी हमने थोड़ी देर पहले मध्यस्थ दर्शन में मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल, इस आधार पर मध्यस्थ विचार, मध्यस्थ न्याय, ऐसा दर्शन क्षमता ही सम विषम मध्यस्थ क्रिया प्रक्रिया प्रयोजन का निर्णय करती है। साथ ही आचरण, व्यवहार, व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली पूर्णता स्थापित करती है। व्यवहार के लिए ज्ञान, विवेक और विज्ञान, उत्पादन के लिए ज्ञान सम्मत विवेक सम्मत और विवेक सम्मत विज्ञान पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। ऐसा ज्ञान प्रत्येक जागरूक व्यक्ति की क्षमता व आवश्यकता के अनुसार प्रकट एवं व्यवहृत होना होता हुआ पाया जाता है। तो भाई और बहनों, मैं यहां पर व्यवहार की परिभाषा और विवेचना की परिभाषा ये थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। ये एक मुझे लगा कि आधारभूत परिभाषाएं हैं। व्यवहार जो हमसे नैमित्तिक, ये नहीं रोज ही होता है, व्यवहार से अलग मानव तो नहीं है। जब तक मानव जीवित है तब तक मानव के साथ व्यवहार है ही। तो व्यवहार क्या है और विवेचना क्या है, तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो व्यवहार है ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी समझदारी सहज प्रमाण, ये व्यवहार है। मनुष्य की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह, यह व्यवहार है। तो परस्परताओं में जो निहित मूल्य हैं, मूल्यों की सूचना वापस एक बार हमें याद होना, मानव मूल्य 6 और परिवार मूल्य 18, जीवन मूल्य 4, वस्तु मूल्य 2, ये सबका आदान प्रदान यह व्यवहार है। तीसरा पॉइंट है इसमें, व्यवहार में एक से अधिक होने पर या होने के लिए किया गया आदान प्रदान, स्थापित संबंधों में, निहित स्थापित मूल्यों में, अनुभव सहित शिष्टतापूर्ण पद्धति से व्यवसाय मूल्य का उत्पादन, उपयोग, उपभोग एवं वितरण, ये 4 मुद्दों पर हमारा व्यवहार सजता है। और ऐसे व्यवहार के लिए ज्ञान विवेक और विज्ञान, उत्पादन के लिए ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। ऐसा प्रत्येक जागृत व्यक्ति की क्षमता व आवश्यकता के अनुसार प्रकट एवं व्यवहृत होना हुआ पाया जाता है। व्यवहारिक मूल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक ही होता है। विवेचनाएं जीवन के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियम के अनुसार है। अब विवेचना क्या है, तो विवेचना है अनेक दिशा कोण से परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र लक्ष्य को पहचानना। विवेचना पूर्वक का अर्थ है लक्ष्य को पहचानना,
विश्लेषण सहित स्पष्ट करना। तब हम अपने लक्ष्य पहचानने के लिए अनेक दिशा कोणों से परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित से हम लोग लक्ष्य को पहचानते हैं। तब ऐसे व्यवहारिक मूल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक होना, तब ध्यान जा रहा है कि स्पष्ट दर्शन क्षमता से हमारे में क्या क्या क्षमताएं प्रकट होती हैं। उसमें एक तो है ना निर्णय क्षमता दिया कि सम विषम मध्यस्थ क्रिया प्रक्रिया और प्रयोजन का निर्णय, ये एक क्षमता हमारे में आना। और इस क्षमता से हम आचरण व्यवहार व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में पूर्णता में स्थापित कर पाना। फिर है ये विवेचना कर पाना, है ना, और व्यवहार के लिए ज्ञान विवेक विज्ञान को स्पष्टता से समझ पाना। और इस प्रकार से ये व्यवहार मूल्यों की निर्धारण हम कर पाना, ये ऐसी क्षमताएं प्रकट होने लगना। तो जितना जितना हमारा ध्यान ये सब मुद्दे जीने के लिए आते हैं, वैसे वैसे हमको हमारे क्षमताओं का परिचय होने लगता है। व्यवहारिक मूल्य मानवीयता के अर्थ में सार्थक होते हैं, इस आधार पर नियम त्रय सिद्ध हुई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए एक और सटीक परिभाषा में सुनाना चाहता हूं। हम सभी लोग सामान्यतया एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए सकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतया जब हमें कोई एप्रिसिएशन देना है तो हम कहेंगे हाँ हाँ बढ़िया भैया, ये सकारात्मक है। तो मैं सकारात्मक की परिभाषा देता हूं। तो सकारात्मक की परिभाषा है जागृति बोध व प्रमाणित होने योग्य। ऐसा हमें पहचानने में आता है कोई व्यवहार कार्य, तब हम कह सकते हैं ये सकारात्मक है। सकारात्मक का अर्थ है मैं सकारता हूं। एक है सकारात्मकता, एक है नकारात्मकता। तब जागृति बोध व प्रमाणित होने योग्य कोई कार्य व्यवहार है, कोई स्पष्टता है, कोई दर्शन है। जैसा ये दर्शन हमें जागृति बोध व प्रमाणित होने के लिए देता है, फलस्वरूप हम कहते हैं हाँ हमारे में सकारात्मकता का ध्यान जा रहा है, यानी हम सकार रहे हैं। और दूसरा दिया विधि सम्मत। तो अब जब भी कभी हम किसी को सकारात्मक कहेंगे तो अब जागृति बोध हो प्रमाणित होने योग्य होने पर अपना ध्यान चला जाएगा, जिससे कि हमारा फोकस क्लियर रहेगा कि हम कौन से मुद्दों को सकारना है और कौन से मुद्दों को हमें नकारना है। स्वाभाविक है इसी से विधि निषेध तय होना, जो जागृति के लिए योग्य नहीं है वह अनावश्यक नकारने योग्य है, और जो जागृति के लिए सटीक है सही है वह योग्य है और वह सकारात्मक है। तब आगे मानव सहज परस्परता में किया गया आचरण एवं निर्वाह सह अस्तित्व विधि से सार्थक तथा असह अस्तित्व विधि से असार्थक एवं समस्या है। अभी बात हुई। तब जब भी कभी सार्थक हुआ, अब सार्थकता की पहचान तन मन धन का उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनीयता, एक सरल सूत्र समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सार्थक होना। आगे यथार्थ ज्ञान क्षमता का प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयता पूर्ण आचरण है। अभी यथार्थ ज्ञान की बात थी, तो यथार्थ ज्ञान कैसे समझ में आता है, तो उसका मानवीयता पूर्ण आचरण ये जैसे जैसे हम पहचान पाते हैं वैसे वैसे यथार्थ ज्ञान क्षमता में हम काम करने लगते हैं। समझने की क्षमता ही परस्परता में ज्ञान सहज उद्घाटन है। ये तो एक और सुंदर सटीक सूत्र है। हम लोग एक दूसरे की समझने की क्षमता, जो परस्परता में एक दूसरे को समझना, यही ज्ञान सहज उद्घाटन है। कितना सुंदर सटीक और सूक्ष्म मुद्दा है। अभ्यास में हमारा ध्यान जाना कि क्या मैं समझ रहा हूं, परस्परता में क्या हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब इस समझने की क्षमता क्या है, समझने की क्षमता व्यंजनीयता है। इकाई की मूल व्यंजनीयता सत्ता में संपृक्तता ही है। संपृक्तता की अनुभूति ही पूर्ण व्यंजनीयता है।
चैतन्य इकाई की व्यंजनीय क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है, यही दर्शन क्षमता एवं अनुभव क्षमता है। अब थोड़ा गहरा लेके जा रहे हैं कि स्पष्ट दर्शन क्षमता, दर्शन क्षमता। अब ये दर्शन क्षमता ये क्या प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है व्यंजनीयता। इसके आगे जो पुस्तक है मानव अभ्यास दर्शन, ये मानव अभ्यास दर्शन पूरा का पूरा व्यंजनीयता पर आधारित है। कैसे हमारे में व्यंजनाएं होती हैं? अब व्यंजना की यहां परिभाषा है मूल्य एवं क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता। इतनी जानकारी हमें हो गई है कि अस्तित्व की जो इकाइयां हैं हर इकाइयां मौलिक है, हर इकाई का मूल्य है, हर इकाई व्यवस्था में भागीदार है और मूल्य है और वो क्रिया कर रही है। तो ऐसे मूल्य क्रियाओं के संकेत है। आगे कर्मदर्शन में ही यहां पर आएगा संकोचन प्रसारण एक आएगा। तो मौलिक रूप में संकोचन प्रसारण यह संकेत और यह संकेत परमाण्विक स्थिति में संकोचन प्रसारण है ना, और यही संकोचन प्रसारण आगे पहचानना निर्वाह करना और मानव में जो गतियां हैं कंपनात्मक गति और इस कंपनात्मक गति रूपी जो स्पंदन, इस स्पंदन को हम परावर्तन प्रत्यावर्तन स्थिति गति बल शक्ति इस रूप में हम पहचानते हैं। तो इसका मतलब है कि मानव में जो क्रियाएं हैं, मानव का जो मूल्य है और जो क्रियाएं हैं ऐसे हम परस्परता में हम पहचानने लगते हैं तो हमें मानव व्यंजित होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। यही समझने की क्षमता ही व्यंजनीयता है और इसमें व्यंजनीयता सत्ता में संपृक्तता ऐसा यहां पर स्पष्ट हो रहा है। तो चैतन्य इकाई की व्यंजनीय क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है। अभी जो व्यंजना होती है सामान्यतया रूप और गुण की व्यंजना है। स्वभाव धर्म व्यंजित हो पाना ये कह सकते हैं गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है और यही दर्शन क्षमता एवं अनुभव क्षमता। अब इसमें क्या क्या दो मुद्दे हैं? परिमाण एवं सीमा का दर्शन एवं सत्य में अनुभव प्रसिद्ध है। सत्य की सूचना है हमें परिमाण और सीमा। अब ये क्या चीज है? तो परिमाण है सीमा, है ना, सीमा का प्रमाण भी इकाई है, उस इकाई की सीमा है। अब ये सीमा क्या है, कहां दिखती है? तो ये सीमा है कि सत्ता में वस्तु सभी ओर से सीमित है और इस इकाई की जो धर्मीयता है वह उसकी सीमा है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था की समस्त इकाइयां ये सभी ओर से सत्ता में घिरी होने से हमें इकाई की सीमा समझ में आती है और उस सीमा से हम इकाई का परिमाण का दर्शन करते हैं और सत्य में अनुभव प्रसिद्ध है। व्यंजनीयता क्षमता क्रम ही जागृति क्रम और जागृति को प्रकट करता है। अब आगे मानव दर्शक व दृश्य सह अस्तित्व रूप में प्रकट वर्तमान है, यही दर्शन पृष्ठभूमि है। दर्शक की हमें सूचना है मानव के रूप में, दृश्य सह अस्तित्व के रूप में प्रकट वर्तमान है, हर पल हर क्षण हम उसको देख रहे हैं। हर अवस्था चार अवस्थाओं का अंतर संबंध, अंतर संबंध में क्रिया और यह क्रियाशीलता से एक व्यवस्था जो नित्य प्रकटन में है यही वर्तमान है, यही पृष्ठभूमि है, यही दर्शन की पृष्ठभूमि है। प्रकटन को प्रमाणित करने के लिए दर्शक का रहना अनिवार्य है। दर्शक ही व्यंजनीय क्षमता से प्रतिष्ठित है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है, यही दृश्य राशि है। राशि का मतलब बहुत सारी इकाइयां होना, यह दृश्य राशि है। प्रत्येक दर्शक भी दूसरे दर्शक के लिए दृश्य है, प्रत्येक इकाई अपने जागृति के अनुरूप दर्शक है। यह महत्वपूर्ण है कि हमारी अपनी जागृति की स्थिति के अनुरूप हम दर्शक। मानव जीवन का आद्यांत कार्यक्रम एवं आचार तीन प्रकार से गण्य है, सत्याचार लोकाचार और विषयाचार। ये क्रम से उत्तम मध्यम एवं अधम की परिगणना में है।
ये स्वयं स्पष्ट है। मानवीयतापूर्ण आचरण ही अवधारणा सहज प्रमाण है, अवधारणा ही निवृत्ति में प्रमाणित होती है, निवृत्ति ही संवेग व विवेक। अब यहां उपाय योजना है और अनुभूति है कि मानवीयतापूर्ण आचरण ही अवधारणा सहज प्रमाण है। रहस्य मुक्ति अध्याय में अवधारणा पर काफी सारी चर्चा हुई है, तो अवधारणा स्पष्ट हो गया होगा। तो सामान्य रूप में मैं यही कहूंगा, अभी सहअस्तित्व की सूचना को, समग्र सूचना को हम अवधारणा के रूप में ले सकते हैं। तो सहअस्तित्व अवधारणा, ऐसी अवधारणा ही निवृत्ति का मतलब है। निवृत्ति का मतलब है हम बंधन मुक्त या स्वानुशासित और स्वतंत्र, ये प्रमाणित होती है। ऐसे निवृत्ति ही कारण बनती है संवेग व विवेक, और संवेग व विवेक ही अनुगमन व अनुसरण। अनुगमन का अर्थ है परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति या अनुकरणीय गति। तो संवेग व विवेक ही अनुगमन व अनुसरण, अनुगमन व अनुसरण ही उद्घाटन, उद्घाटन ही प्रकटन, प्रकटन ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही प्रमाण, प्रमाण ही अनुभूति, अनुभूति ही क्षमता योग्यता और पात्रता, क्षमता योग्यता पात्रता ही स्थितिवत्ता, स्थितिवत्ता ही विभव, विभव ही वैभव और वैभव ही आचरण है। तब यहां अब दर्शन क्षमता होना और दर्शन क्षमता से अवधारणा आना और ऐसे अवधारणा मानवीयतापूर्ण आचरण में प्रकट होना और फलस्वरूप संवेग विवेक, संवेग विवेक के रूप में अनुगमन यानी अवधारणा होने से मानवीय परंपरा का डिजाइन या स्वरूप स्पष्ट होना और हम परंपरा में अनुकरणीय गति के लिए है ना हम आगे बढ़ना, यह अनुगमन है, अनुसरण है, नियमों का अनुसरण और अनुगमन और नियमों का अनुसरण से उद्घाटन, और इस तरह से हमारा स्थितिवत्ता रूपी वैभव। स्थितिवत्ता का मतलब है हम मानव इकाई स्थिति क्रिया भी है, गति क्रिया भी है। तो मानव इकाई का जो स्थिति, स्थिति होना, अनुभव की स्थिति होना यानी एक क्षमता सिद्ध होना, यह स्थितिवत्ता है, यही विभव और यही वैभव है। तो इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण ही वैभव है, ये यहां पर स्पष्ट हुआ। दृष्टापद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है और व्यवहार उसके अनुरूप है। अब ये प्रतिरूप और अनुरूप ये काफी मुद्दे परंपरा में आए हैं। अब यहां पर प्रतिरूप को कह रहे हैं, दृष्टापद की दर्शन क्षमता का प्रतिरूप और व्यवहार उसके अनुरूप है जो प्रसिद्ध है। छोटा सा ध्यान आकर्षण हमारे लिए आ रहा है, विचार के अभाव में शरीर द्वारा कोई कार्य व्यवहार सिद्ध नहीं होता या प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण क्रियापलों क्रियाकलाप के मूल में विचार ही है, शरीर विचार नहीं है, यह विचार को प्रसारित करने का माध्यम है। इस निष्कर्ष से विचार शरीर से अतिरिक्त है और यह चैतन्य क्रिया है। तब ऐसी दर्शन क्षमता से हमें यह स्पष्ट होना कि विचार मूल रूप में क्या चीज है। तो विचार मूल रूप में चैतन्य क्रिया है और यह शरीर से अतिरिक्त क्रिया है। इस प्रकार जो सुबह बात आ रही थी कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में क्या होना है ना, कायिक वाचिक मानसिक क्रिया में क्या अंतर्भूत होना, तो ये एक अभ्यास कि विचार चैतन्य क्रिया है ना, इस पर हमारा ध्यान चला जाना। वैचारिक क्षमता मानव की पांचों स्थितियों में है, जो पांच स्थितियां अभी हमने चर्चा किया, इसलिए सर्व मानव में क्षमता समान है। वैचारिक क्षमता के परिमार्जन हेतु सत्मार्ग एवं शुभकारी योगाभ्यास प्रसिद्ध है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन है, यही सर्व शुभकारी है, पुनः यही वैचारिक क्षमता है। यह क्रम मानवीयता तथा अति मानवीयता पूर्ण आचरणों से संपन्न होने तक परिपूर्ण व्यवस्था है। यह नियंत्रण के पालन अनुसरण एवं अनुशीलन पूर्वक सफल है, अन्यथा असफल है। यहां अनुशीलन का मतलब है प्रमाणित होने के लिए स्पष्ट होना, यह अनुशीलन है। नियम त्रय का पालन अनुसरण, अनुसरण
का अर्थ स्पष्ट है, यानी नियम त्रय जो सुबह से चर्चा आ रही थी, बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम। तो ऐसी वैचारिक क्षमता के परिमार्जन के लिए उपाय योजना, उपाय योजना का दिया है योगाभ्यास। योगाभ्यास का मतलब है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मानवीय शिक्षा और व्यवस्था में हम मानव है ना एक दूसरे के साथ परस्परताओं में है ना योगाभ्यास प्रसिद्ध है। इसी को कहा चेतना विकास, मूल्य शिक्षा पूर्वक संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन है, यही सर्व शुभकारी है, पुनः यही वैचारिक क्षमता है। तो विचार के आधार पर मानवीयता और अतिमानवीयता पूर्ण आचरणों से संपन्न होने तक परिपूर्ण व्यवस्था में होना, यही योगाभ्यास है। इसमें दिया ही है योगाभ्यास मिलन का अभ्यास, मिलन के अनंतर स्वीकृति जीवन जागृति के रूप में और विकृति अमानवीयता के रूप में दृष्टव्य है। अब ऐसा योगाभ्यास जिसमें वैचारिक क्षमता का परिमार्जन होना, ऐसे मिलन के अनंतर जीवन में स्वीकृति होना स्वाभाविक है। प्रत्येक मानव प्रबुद्धता के लिए प्रयास है, प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयता पूर्ण आचरण है और मानवीयता और अतिमानवीयता पूर्वक ही व्यवस्था पूर्वक वैभव है जो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है हर मानव की क्षमता, पात्रता और योग्यता, यानी पात्रता विकसित होना, योग्यता विकसित होना। पात्रता का अर्थ है ग्रहण क्रिया, योग्यता का अर्थ है अभिव्यक्त क्रिया। ऐसा पात्रता और योग्यता को होना, यानी क्षमता जो कि वहन होना है, ऐसा क्षमता विकसित होने को कहते हैं पूर्ण वैभव। और ऐसी व्यवस्था जहां पर ये सारी क्षमताएं विकसित होने को कहेंगे पूर्ण व्यवस्था। जीवन का कार्यक्रम ही कर्म है, यही आचरण है। समृद्धि, कला और बोध के लिए आचरण मानवीयता पूर्ण मानव में पाया जाता है। अभी कैसे पहचाने? तो मानवीयता पूर्ण मानव में समृद्धि, कला और बोध के लिए आचरण पाया जाता है। सत्य बोध एवं सहजता के लिए आचरण मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता पूर्ण मानव में प्रत्यक्ष है, जो उनका स्वभाव है। अब यहां से सानिध्य प्रारंभ होता है कि ये जो योगाभ्यास कहा, ये जो मिलन है, यह मिलन में हम क्या देखते हैं? तो जागृत मानव का मानवीयता पूर्ण आचरण जो कि प्रत्यक्ष है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव में से हमारे में सानिध्य होना, मानव के लिए मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण आचरण ही नितांत उपयोगी एवं आवश्यक है। तो एक संयत अनुभूति, एक प्रस्ताव ऐसा दिया कि मानव के लिए मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण आचरण ही नितांत उपयोगी एवं आवश्यक है। तो अब हमें सोचना है, मानव की पांचों स्थितियां परस्पर पूरक है, इनकी एक सूत्रता ही अखंड सामाजिकता है। यह नियम त्रय पालन होने से, सामान्य होने से है। प्रत्येक आविष्कार एवं अनुसंधान व्यक्ति मूलक उद्घाटन है। यह शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से सर्वसुलभ हो जाता है, यही सर्वसामान्यीकरण प्रक्रिया है। आपका ध्यान जा रहा होगा, सुबह हमने आविष्कार और अनुसंधान पर अच्छी चर्चा की। यह शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से सर्वसुलभ हो जाता है, यही सर्वसामान्यीकरण प्रक्रिया है, यानी सभी को उपलब्ध हो। तो जिस प्रकार से यह जो कार्यक्रम अभी हो रहा है और अनेकों जगह पर हो रहा होगा, तो जिस प्रकार से सरलता से, सादगी से इन दर्शनों की पुस्तकों को पठन पूर्वक, उसके जो विश्लेषण है, सामान्य विश्लेषण, जिससे कि सुनने वाले का उस पर ध्यान चला जाए और वह इस तरह से जीने के लिए, समझने के लिए प्रेरणा बने, इस रूप में यह प्रचार हो रहा है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। और इस सर्वसामान्यकरण प्रक्रिया, ऐसी सामान्यकरण प्रक्रिया में भाग लेकर मुझे भी अच्छा भाव मेरे में भी विकसित हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी सुनने वालों को और इसके आयोजनकर्ताओं को भी। जिसका विभव एवं वैभव है, उसी का आविष्कार है, क्योंकि उसके पहले उसका स्पष्ट ज्ञान मानव कोटि में था ही नहीं।
उस समय में अर्थात सन 2000 से पहले जो समझ मानव समुदायों में रहा उसकी तुलना में मध्यस्थ दर्शन आविष्कार अनुसंधान है। सह अस्तित्व में से के लिए प्रकटन ही आविष्कार है। आविष्कार की सामान्यकरण प्रक्रिया ही शिक्षा, यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। सुबह की चर्चा आपके स्मरण में हो, मानव के लिए जितना उन्नत अवकाश है उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। अब ये एक ध्यान आकर्षण आ रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता, सतर्क रहने की आवश्यकता। मानव के लिए जितना उन्नत अवकाश है उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। पतनोन्मुखी क्रियाकलाप ही अपराधी अपराध एवं गलतियां हैं। इसी का प्रत्यक्ष रूप ही दुख अशांति असंतोष एवं असह अस्तित्व भ्रम है। पतनोन्मुखी जीवन की श्रृंखला में अपराध के तीन कारण दृश्यवे हैं। एक है अभाव, अत्याशा एवं अज्ञान। इसी के साथ ही राग, द्वेष, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग एवं और असफलता भी है। जिस तरह से आप सभी लोग इसको सुन रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि हर शब्द जो आप तक पहुंच रहा है ना, उस शब्द के जो आशय हैं वह आशय का अनुमान आप में बन रहा होगा, स्पष्टता भी बन रही होगी, ऐसी मेरी स्वीकृति है। और जहां कहीं आपको ऐसा लगे उसको आप अपने मोबाइल सेट से इस प्रश्न मुक्ति अभियान पर प्रश्न को प्लेस कर सकते हैं। पतनोन्मुखी जीवन की श्रृंखला में अपराध के तीन कारण पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ध्यान देने योग्य मुद्दे हैं अभाव, अत्याशा एवं अज्ञान। इसके साथ ही राग, द्वेष, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग और असफलता भी है। इसका निराकरण क्रम से अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से निराकरण आ रहा है। सब लोग सुन रहे होंगे, इसका निराकरण क्रम से अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से, अत्याशा को विवेक से, अज्ञान को ज्ञान से, राग को विराग से, द्वेष को स्नेह से, असत्य को सत्य से, अभिमान को सरलता से, भय को अभय से, आलस्य को चेष्टा से प्रयास करना होगा, है ना। आलस्य को चेष्टा से, असफलता को पराक्रम से व पुनः प्रयोग से, रोग को औषधि आहार एवं विहार से, समाधान एवं परिहार करने की व्यवस्था है जो मानव के लिए एक अवसर है, यही आवश्यकता है। तो पुनः हमारे लिए कार्यक्रम के लिए संकेत हैं कि हम कैसे जागृति लक्ष्य को पा सकते हैं, क्या क्या वो बिंदु हैं जिनकी स्पष्ट जानकारी हमारे में नहीं होने से हमारे प्रयास असफल होना, है ना। और एक पतनोन्मुखी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को तोड़कर और जो विवेक का उपयोग हो जाना ही अखंडता है जो स्वर्गीयता है। विज्ञान निपुणता कुशलता मानव से कम विकसित का परिमाणीकरण पूर्वक नियंत्रण करने के लिए योग्यता है जो पूर्णतया उत्पादन क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है और आंशिक रूप से व्यवहार में, यानी निपुणता कुशलता में से कुशलता आंशिक रूप में व्यवहार में भी सिद्ध हुआ है, जबकि विवेक स्वयं के विश्लेषण पूर्वक सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट करता है। अब विवेक की सूचना हमारे पास है, कुशलता निपुणता की सूचना है, परिमाणीकरण की बात अभी हुई है ना, उसमें नियंत्रण की बात हुई, उसके लिए जो योग्यता है ना, उत्पादन क्षेत्र की बात हुई, इस प्रकार से जो वैज्ञानिक क्षमता है उस क्षमता का कैसा सदुपयोग हो सकता है, ये उपाय से दिख सकता है।
सह अस्तित्व में ज्ञान ही दृश्य मानव दृष्टा मानवत्व पूर्वक दृष्टि होना स्पष्ट है। इसीलिए सह अस्तित्व में ज्ञान, सह अस्तित्व में व्यवहार व समाधान प्रमाणित होता है, फल व्यवस्था प्रमाणित होती है। व्यवहारिक मूल्य ही स्थिर मूल्य है। अभी हमने थोड़ी देर पहले व्यवहार की परिभाषा देखी। मानव संपर्क एवं संबंध एवं संपर्क पर्यंत व्यवहार के लिए अवसर संपन्न है, मूल्यविहीन संपर्क और संबंध नहीं है। प्रत्येक परस्परता में अपेक्षाएं समाहित हैं, मूलतः यही सापेक्षता है, यही आवश्यकता है। ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर के आधार पर ही प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम क्रिया का वर्गीकरण उदाहरण है। अब यहां पर प्रमाणों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने दर्शन क्षमता, मानव की पांचों स्थितियां, उन पांचों स्थितियों में हमारा अनुकरण अनुगमन और कैसा मानव के लिए उन्नत अवकाश अवनत अवकाश, और ये जो आविष्कार है ये आविष्कार कैसे मानव के लिए उन्नत अवकाश का रास्ता तैयार होता हुआ दिखता है। और ऐसे में अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसका क्या प्रमाण है। तब हमें जो दिखने की दो दृष्टि है, एक है ज्ञान गोचर यानी जीवन दृष्टि, और दृष्टि गोचर यानी जो आंखों में आता है, परंतु इसका अर्थ भी जीवन में ही होता है। इस प्रकार ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर के आधार पर, देखिए यहां पर दोनों चीजों को संयुक्त रूप में लिया है, प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम क्रिया का वर्गीकरण एवं निर्धारण है, जो पूर्व में सानिध्य गया योगाभ्यास में, अब इस सानिध्य को यहां पर आगे विश्लेषित किया है। तो सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष, अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान, और सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है। प्रकृति की अनंतता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमानातिरिक्त अस्तित्व का प्रमाण है। तो प्रकृति की अनंतता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमानातिरिक्त अस्तित्व का प्रमाण है। सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष, सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान, और सानिध्य संभावनाओं के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है, और यह हमें प्रकृति की अनंतता और सत्ता में पूर्णता ये अस्तित्व का प्रमाण है। तो इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रिया ये तीनों के प्रमाण एक अर्थ में यहां पर स्पष्ट किए गए हैं, और आगे विश्लेषण होगा। सुरेंद्र भाई इसके अध्येता हैं परंपराओं के भी, तो मैं उनसे विनय करूंगा कि ये जो प्रमाण की बात परंपरा में हुआ है, जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम और ये परंपरा के प्रमाण, और बाबा जी ने इसको जिस तरह से परिभाषित किया है, तो ये परिभाषित प्रमाण किसे प्रत्यक्ष कह रहे हैं, क्या अनुमान और आगम ऐसे इसमें दिया हुआ है, पर एक तुलनात्मक यदि प्रस्तुत करेंगे तो कर्म दर्शन में यह एक सहायक है ना, प्रमाणों को पहचानने में एक सहायता होगी। तो इसका मतलब है कि प्रकृति की अनंतता और सत्ता में पूर्णता, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं, इसका मतलब यह रहस्य से मुक्त है, यानी जो कुछ है सभी अस्तित्व है, और ऐसे अस्तित्व ही फिर आगम क्रिया है, और ऐसे अस्तित्व की आगम क्रिया में परस्पर सानिध्य ही अनुमान है या उसकी निरंतरता है, और ऐसा हमारे में दिख पाना, एक दूसरे को हम पहचान पाना, यही सानिध्य की निरंतरता का अनुभव है, प्रत्यक्ष है, यही सुख है, ऐसा सानिध्य ही शिक्षा और व्यवस्था है, और यही परस्परता में सह अस्तित्व सुख समाधान और क्या कहें इसकी निरंतरता है। तो इस प्रकार से मानव का न्यायिक और सामाजिक होना, यही सानिध्य का इसमें मुझे तो स्पष्ट हो रहा है। इसलिए भाई और बहनों, मानव की आवश्यकता क्या है ना, मानव का अध्ययन, हम मानव के साथ ही सुखी होंगे,
मानव के साथ ही समझदार होंगे। मानव मानव परस्परता ही यहाँ पर प्रमाण के रूप में बाबा जी ने वर्णित किया है।